Hello students, so we will continue with our chapter 7, force, work and energy. So today we will study what is work. So work is transfer of energy from one object to another. Energy ka transfer hona ek object se dusre mein is called work. Suppose I am pushing a box. So what I am doing, I am transferring my energy into the box. So this is work. मैं अपनी energy जैसे मैं एक box को push कर रही हूँ, मैं अपनी energy box में transfer कर रही हूँ, तो उसे हम work कहेंगे. वर्क कैन बी कैलकुलेटेड बाई फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलॉन्ग विद द डायरेक्शन. हम डायरेक्शन के साथ बताते हैं कि ये ऑब्जेक्ट 50 meters मूव किया है इन नॉर्थ, है ना, तो हम डायरेक्शन के साथ बता रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, सो वॉट इज वर्क? वर्क इज फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट. एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर इसने एक बॉक्स ए मूव किया 100 meters की डिस्टेंस को, 10 meters डिस्टेंस, और उसका जो फोर्स था वो 10 newtons था, तो व्हाट विल बी द वर्क? फोर्स कितना है? 10 newtons. डिस्टेंस कितना है? मूव किया 10 meters. व्हाट इज वर्क? वर्क इज 100 joules और newton meter. न्यूटन मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूटन मीटर हो जाएगा, तो आंसर आएगा 100 joules. जूल्स इज यूनिट ऑफ वर्क. वर्क को हम जूल्स में कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, सपोज हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं. एक और बंदा है, उसने 50 newtons फोर्स अप्लाई किया और एक वॉल पे. अब वॉल पे फोर्स अप्लाई कर रहा है तो वॉल तो मूव करेगी नहीं, तो जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज जीरो. अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन इज ऑल्सो जीरो. ठीक है, तो वर्क डन भी यहाँ पे जीरो रहेगा, क्योंकि कितना भी फोर्स अप्लाई करो लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो वर्क डन विल बी जीरो. हम कोई भी काम करते हैं, ठीक है, तो हमारे काम को आसान करने के लिए व्हाट वी यूज इज मशीन. व्हाट इज मशीन? मशीन इज एनीथिंग दैट मेक्स अवर वर्क ईजियर एंड फास्टर. मशीन को हम यूज करते हैं अपना काम ईजियर फास्ट करने के लिए. ठीक है, तो ये जो मशीन्स हम अपने अराउंड देखते हैं, वॉशिंग मशीन, कार, फ्रिज, टीवी, जितनी भी मशीन्स हम देखते हैं, दे आर मेड अप ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स. ये कई सारी सिंपल मशीन्स हैं मिलकर बनी हैं. सो टुडे वी विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स. सो सिंपल मशीन, सो फर्स्ट टाइप ऑफ सिंपल मशीन इज लीवर. सो लीवर में व्हाट वी शुड नो इज फल्क्रम, एफर्ट एंड लोड. तो व्हाट इज फल्क्रम? लीवर क्या होता है? लीवर बेसिकली होता है एक रॉड विच इज फिक्स एट अ पॉइंट. कोई भी एक रॉड जब एक पॉइंट पे फिक्स है तो हम उसे लीवर कहते हैं. तो जो पॉइंट जिस पे वो फिक्स है दैट इज फल्क्रम. ठीक है, जहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, काम करना है ना हमें, इट इज अ मशीन, वी आर यूजिंग इट टू वर्क, राइट. तो हम जहाँ पे अपना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दैट इज एफर्ट, और जहाँ पे हमारा काम हो रहा है दैट इज लोड. ठीक है, देर आर मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ लीवर लाइक सीजर्स, ट्वीजर्स, बॉटल ओपनर, स्टेपलर. सो विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेपलर एंड अंडरस्टैंड अबाउट लीवर. तो स्टेपलर में ये वाला एंड जो स्टेपलर का है वो फिक्स्ड होता है, तो दिस इज फल्क्रम. ठीक है, फिक्स पॉइंट कोई भी हो, जरूरी नहीं हो कि वो सेंटर में हो, डिपेंडिंग अपॉन कि फल्क्रम की क्या पोजीशन है, वो सेंटर में है, फल्क्रम सेंटर में है, लोड सेंटर में है, या एफर्ट सेंटर में है. डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ एफर्ट, फल्क्रम एंड लोड, लीवर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 types, type 1, type 2 एंड type 3, विच वी विल लर्न इन अवर लेटर क्लासेस, हायर क्लासेस. सो दिस इज अ स्टेपलर. स्टेपलर में ये पॉइंट फिक्स है, सो दिस इज फल्क्रम. अब हम स्टेपल करेंगे तो हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे, स्टेपलर में हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ये हो गया हमारा एफर्ट, और यहाँ पे हमारा जो पेपर है जिसे हमें स्टेपल करना है वो पेपर है, तो ये हो गया हमारा लोड, क्योंकि ये काम हो रहा है यहाँ पे, जिस एंड पे काम होगा दैट इज लोड. जहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दैट इज एफर्ट, और जहाँ पे कि वो फिक्स्ड है, जो आपकी मशीन है जहाँ पे फिक्स पॉइंट जो है उसका, उसे हम फल्क्रम कहते हैं. सो दिस इज लीवर. नेक्स्ट इज पुली. पुली इज मेड अप ऑफ व्हील एंड अ रोप. पुली का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम जो कुएं में पानी निकालते हैं, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ पुली. तो पुली में एक व्हील होगा जो कि ग्रूव्ड होगी, ग्रूव मतलब उसमें जगह होगी. यहाँ पे आपने देखा होगा ये जो व्हील होती है इसमें जगह होती है रोप के लिए, है ना, दैट मीन्स इट इज ग्रूव्ड. तो यहाँ पे रोप डालेंगे. अब पुली क्या करती है? इट चेंज द डायरेक्शन. डायरेक्शन चेंज करती है बेटा हमारे फोर्स का. सपोज अगर
मुझे ये पानी कुएं में से निकालना होता विदाउट द हेल्प ऑफ पुली, मैं ऐसे निकालती, ठीक है, विच इज़ अगेंस्ट द ग्रेविटी. मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट, जब भी मैं अपवर्ड फोर्स अप्लाई कर रही हूँ मतलब मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रही हूँ, तो ये फोर्स हमेशा ज़्यादा होगा. जब मैं कोई फोर्स डाउनवर्ड लगा रही हूँ मतलब मैं टूवर्ड्स द ग्रेविटी लगा रही हूँ, तो वो फोर्स कम होगा. तो पुली क्या कर रही है, हमारा फोर्स डायरेक्शन का फोर्स चेंज कर रही है. अगर मुझे बकेट लिफ्ट करनी होती कुएं में से तो मैं इसे ऐसे लिफ्ट करती अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन पुली के वजह से क्योंकि मैं पुली का यूज़ करूँगी यहाँ पे, तो इसको मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करूँगी, तो मेरा काम आसान हो जाएगा, मुझे कम फोर्स लगाना पड़ेगा और वो बाल्टी में लिफ्ट कर पाऊँगी, ठीक है. तो पुली क्या कर रही है, इट इज़ चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच इज़ मेकिंग माई वर्क ईजियर. हैवी वेट यूज, हैवी वेट लिफ्ट करने के लिए भी पुली यूज़ की जाती है. फ्लैग होस्टिंग में ऊपर जो लगती है फ्लैग को होस्ट करने के लिए, यहाँ पे वो भी पुली यूज़ की जाती है, ठीक है. व्हील एंड एक्सल, व्हील एंड एक्सल होता है उसमें, व्हील पहिया, एक्सल इज द रॉड अराउंड विच योर व्हील इज रोटेटिंग. ये हमारा एक्सल है और ये हमारा व्हील है. तो कोई भी पहिया किसी के तो अराउंड रोटेट करेगा, जब वो रोटेट कर रहा है इट इज़ रोटेटिंग अराउंड समथिंग, राइट. दिस इज माई व्हील एंड दिस इज द एक्सल. तो व्हील एंड एक्सल, व्हील्स तो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, हमारी बाइसाइकल्स में यूज़ हो रहा है व्हील, फैक्ट्रीज की सारी मशीन्स में व्हील यूज़ होता है, हमारी स्विंग मशीन में व्हील यूज़ होता है. तो व्हील इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ ह्यूमन. व्हील के बाद ही बाकी सारी चीज़ें इन्वेंट हो पाई है. तो व्हील एंड एक्सल इज अ टाइप ऑफ सिंपल मशीन. सो नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंपल मशीन इज इंक्लाइंड प्लेन. वॉट इज इंक्लाइंड प्लेन, स्लोपिंग सरफेस. कोई भी सरफेस जो एक स्लोप पे है, स्लोपिंग है, ठीक है, एक एंगल पे है. ये ग्राउंड है, जैसे अगर ये ग्राउंड है तो इस ग्राउंड के किसी भी एंगल पे जब कोई सरफेस होगा तो दिस इज एन इंक्लाइंड प्लेन. एग्जाम्पल रैम्प्स, रैम्प्स होते हैं हमारे स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, ताकि व्हील चेयर पर जो हैंडीकैप पर्सन होते हैं वो आराम से मूव कर सके वहाँ पे, ठीक है. इंक्लाइंड प्लेन यूज़ किए जाते हैं हैवी लोड्स को ट्रक में या शिप में चढ़ाने या उतारने के लिए. अगर शिप आया है आपको सामान उसमें से निकालना है तो रैंप यूज़ किया जाता है. वुडन प्लैंक यूज़ करेंगे, एक एंगल पे रख देंगे और सामान आसानी से उतारा जा सकता है. तो इट मेक्स अवर वर्क ईजी. तो ये इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल कम होता है, जैसे ये वाला अगर एक एंगल है अगर आप मानो, ठीक है, और ये एंगल इससे कम है हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ, ये जो एंगल बना रहा है ये कम है इससे, तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो कम होगा, ठीक है. जितना ज़्यादा एंगल होगा उतना ही ज़्यादा हमारा फोर्स लगेगा. अगर हम यहाँ पे सामान लिफ्ट कर रहे हैं, अगर ये 50 kg का बॉक्स है, अगर हम यहाँ पे लिफ्ट करें और यही 50 kg का बॉक्स हम यहाँ से लिफ्ट करें, तो यहाँ पे जो फोर्स है वो कम लगेगा क्योंकि ये एंगल कम है, ठीक है. नेक्स्ट इज स्क्रू. स्क्रू हम सब ने देखा है, स्क्रू इज़ अ रॉड विद थ्रेड्स. एक रॉड होती है उसमें थ्रेड्स होते हैं, ठीक है, उसको घुमा के ऐसे अंदर डालते हैं. नॉर्मली क्यों यूज किया जाता है, टू होल्ड थिंग्स, चीज़ों को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है, चीज़ों को पकड़ने के लिए यूज़ किया जाता है. दो चीज़ों को अगर आपस में हमें जोड़ना है बीच में स्क्रू फिट करते हैं, ठीक है. और यूज़ किया जाता है कार को लिफ्ट करने के लिए, जैक होता है ना कार का, देखा है ऐसे घुमाते हैं वो कार के नीचे रख के, तो वो उसमें भी स्क्रू लगा होता है नीचे. जैसे जैसे वो स्क्रू खुलता है कार हमारी ऊपर आ जाती है, जब हम उसे बंद करते हैं स्क्रू अंदर चला जाता है तो कार नीचे आ जाती है. इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्रू. नेक्स्ट इज वेज. वेज इज़ मेड अप ऑफ टू इंक्लाइन प्लेन. दो इंक्लाइन प्लेन होते हैं, देखिए ये जो दो इंक्लाइन प्लेन है ये मिल रहे हैं, ये वेज बना रहे हैं, ठीक है. तो वेज यूज़ होता है जो कि शार्प चीज़ें होती है, जो चीज़ हम काटने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि एक्स, हमारा नाइफ, ठीक है, चीज़ल होती है. चीज़ल आपको पता है, जैसे ये लकड़ी है, वुड लॉग है, अगर मुझे स्प्लिट करना है इसके दो में स्प्लिट करना है तो मैं यहाँ पे चीज़ल रखूँगी और ऊपर से मारूँगी इसको, ठीक है. तो ये जो हमारी वुड लॉग है ये दो में आराम से स्प्लिट हो जाएगी. तो ये किससे बनी हुई है, इट इज़ मेड अप ऑफ टू इंक्लाइंड प्लेन एंड दैट इज़ वेज. तो हमारे जितने भी शार्प चीज़ें होती हैं जो हम काटने के लिए यूज़ करते हैं, दे आर नॉर्मली एग्जाम्पल ऑफ वेजेस. सो दीज आर सिक्स टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन. और जब ये दो से ज़्यादा सिंपल मशीन कभी यूज़ करके कोई और चीज़ बनाई जाती है तो दैट इज़ कॉल्ड अ कंपाउंड मशीन. तो जितने भी अराउंड हम चीज़ें देखते हैं, हमारी वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सब हमारी कंपाउंड मशीन है जिसमें कि इन सिंपल मशीन का यूज़ किया जाता है. तो सिंपल मशीन से मिलके कंपाउंड मशीन बनती है. So that's all for today. Thank you.